नमस्कार, स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप सभी को पता है कि हम लोगों ने एक साइंस की सीरीज शुरू किया है, तो साइंस की सीरीज को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, लाइट। आज हम लोग का जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो है लाइट, प्रकाश। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो विद्यार्थी नए हमें देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रकाश, लाइट। तो सबसे पहले प्रकाश क्या है, तो देखिए प्रकाश वह भौतिक प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश वो भौतिक कारण है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? वो भौतिक कारण है जिसके वजह से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए प्रकाश के बारे में किसका क्या मत था। आइंस्टाइन ने क्या कहा, आइंस्टाइन ने क्या कहा, इसके बाद आपका आ जाता है न्यूटन ने क्या कहा, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने क्या कहा था? प्रकाश जो है कणों से मिलकर बने, कणों से मिलकर बना है। प्रकाश क्या है? कणों से मिलकर बना है। ठीक है, चलिए न्यूटन के बाद किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया था, आइंस्टीन। आइंस्टीन ने क्या कहा कि प्रकाश प्रकाश जो है प्रकाश तीव्र गति से चलने वाला क्या है? फोटोन है। क्या है? फोटोन। फोटो इलेक्ट्रॉन को फोटोन बोलते हैं। इसलिए क्या, प्रकाश एक तीव्र गति से चलने वाला फोटोन है। आइंस्टाइन ने क्या कहा था? प्रकाश एक तीव्र गति से चलने वाला फोटोन है। ठीक है, और हाइगेन ने क्या कहा था? हाइगेन ने कहा था प्रकाश एक क्या है? प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश एक तरंग है जो इथर माध्यम से गमन करता है। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने क्या कहा कि आइंस्टाइन ने कहा कि प्रकाश तीव्र गति से चलने वाला फोटोन। प्रकाश क्या है? तीव्र गति से चलने वाला फोटोन है। किसने कहा? आइंस्टाइन ने कहा। हाइगेंस ने क्या कहा? प्रकाश एक तरंग है, और वो किसके इसके लिए कोई भी तरंग है तो किसी माध्यम से गुजरता होगा। वो माध्यम क्या है? तो माध्यम इथर है, और इथर माध्यम क्या है? इथर सर्वत्र कहता है मौजूद है, सर्वत्र मौजूद है, मतलब अंतरिक्ष में भी इथर मौजूद है। इसलिए अंतरिक्ष से लाइट जो है, सूर्य की लाइट जो है हमारी पृथ्वी में आ जाती है। हाइगेंस का मानना है कि वो इथर माध्यम की ओर से आती है। ठीक है ना, और आइंस्टीन ने क्या कहा था? आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन के द्वारा क्या खोजा गया था? आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव को आइंस्टीन के द्वारा खोजा गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसके द्वारा खोजा गया था? आइंस्टीन के द्वारा खोजा गया था। ठीक है,
आप लोगों को समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा मार्कअप चेंज कर लेते हैं, इन खत्म हो गई है। तो चलिए अब प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके कितना तक होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य कितना होता है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाता है 10^-10 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, दोनों ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी वीवीआई है, ये भी वीवीआई है ना। तो प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य कितना है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, और एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, 10^-10 मीटर, ठीक है ना। चलिए, और प्रकाश जो है प्रकाश किस माध्यम से पहुंचती, प्रकाश किस प्रकार पहुंचती है, प्रकाश किस प्रकार पहुंचती है, ठीक है। तो प्रकाश किस प्रकार पहुंचती है, अगर हम सवाल पूछा जाए तो हम लिखेंगे प्रकाश जो है वो विकिरण द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है, विकिरण द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है, ठीक है। प्रकाश विकिरण द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रकाश की चाल क्या होता है, निर्वात में अगर बोलेंगे 3 × 10^8 m/s, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा, 3 × 10^8, है ना। चलिए इसको प्रकाश की चाल को हम लोग, प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, 3 × 10^8 m/s। चलिए इसमें हम कांच में भी देखते हैं और पानी में भी देखते हैं कितना होता है। चलिए इसमें टॉपिक लिख ही देते हैं, प्रकाश की चाल किसमें, सबसे पहले निर्वात मतलब वैक्यूम में, निर्वात में क्या हो जाएगा, निर्वात में हो जाएगा 3 × 10^8 m/s। इसके बाद हमारा आ जाता है पानी में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, तो पानी में 2.25 × 10^8 m/s। निर्वात पानी। अब कांच में और क्या हो सकता है, कांच में हो जाएगा 2.00 × 10^8 m/s। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है ना। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, 3 × 10^8 m/s। पानी में प्रकाश की चाल क्या होता है, 2.25 × 10^8 m/s। और कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 2.00 × 10^8 m/s। ये आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको एकदम रट लें, आप याद कर लें, अधिकतर आपके जो कंपटीशन में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। क्या क्या दो नियम है, तो पहला नियम होता है आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण
ताप्तित किरण, परावर्तित किरण और क्या हो जाएगा, अभिलंब, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। किस पर होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। मतलब क्या हो गया, देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए मेरा तल है, तो यहां से जो लाइट आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। यहां से मान लीजिए लौट के चला जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित, परावर्तित किरण। और इसके बीच में जो ये लाइन रहती है, इमेजिनरी लाइन, इसको बोलते हैं अभिलंब। तो क्या है, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होती है। एक ही तल, ये मान लीजिए तल है तो एक ही तल पर होती है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होती है। और दूसरा नियम है आपतन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर, आपतन कोण किसके बराबर होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण आपतन कोण, मतलब दोनों कोण बराबर होगा। अब दोनों कोण कौन सा है, मान लीजिए वो इस तरह से, अगर हमारा प्रकाश आ रहा था, अगर हमारा प्रकाश इस तरह से आ रहा था, ये मेरा अभिलंब है, ये आपतन आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, परावर्तित, परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, अभिलंब ये तल है। तो ये जो कोण बन रहा है, ये आई, आपतित किरण परावर्तित किरण आर, तो आई इक्वल टू आर। ठीक है, आपतन किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा? बराबर होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए। इसी से एक सवाल और पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम को किससे दिखाते हैं? तो म्यू से डिनोट करते हैं हम इसको, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो मान है वो क्या हो जाएगा? एक फिक्स रेशियो में रहेगा, क्या रहेगा? नियत अनुपात में रहेगा। ठीक है, आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान क्या रहता है? एक नियत अनुपात में रहता है, इसी को परावर्तन का नियम है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। साइन आई इक्वल टू साइन आर, तो म्यू इक्वल टू सीधे सीधे लिख दीजिए साइन आई बाय साइन आर, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। ठीक है, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा एक घटना घटता है, प्रकाश में आता है, ग्रहण, ग्रहण मतलब छाया पड़ना, ग्रहण मतलब क्या है? छाया पड़ना। तो हम लोग का ग्रहण दो प्रकार का होता है, एक होता है सूर्य ग्रहण, दूसरा होता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, एक होता है सूर्य ग्रहण, दूसरा होता है चंद्र ग्रहण, है ना। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए सूर्य, ये क्या है सूर्य, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया पृथ्वी, और इसके चारों ओर चांद घूमती है, तो मान लीजिए यहां चंद्रमा आ गया, यहां क्या चला आया? चंद्रमा। तो सूरज का जो किरण है वो क्या पृथ्वी तक पहुंच पाएगा? पहुंचेगा तो पहुंचेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, कुछ भाग का यहाँ पे, जैसे कुछ भाग दिख रहा है यहाँ, यहाँ पे लाइट क्या होगा, सूर्य का लाइट यहाँ पर नहीं पड़ेगा, तो सूर्य का जो कुछ लाइट को ढक देता है, जिसे कहते हैं सूर्य में एक धब्बा, काला सा धब्बा दिखाई देता है, उसी को हम लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण लिख लीजिए इसको, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण
जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, सूर्य ग्रहण हो गया। जब चंद्रमा सूर्य जब आपका चंद्रमा चांद जो है सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो सूरज के लाइट को कुछ कुछ हद तक लाइट को ढक देगा पृथ्वी तक पहुंचने में, तो सूरज को लाइट को ढकेगा तो उस पर काला धब्बा दिखेगा। तो इसी वजह से सूर्य ग्रहण क्या होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ठीक है ना, उसी प्रकार चंद्र ग्रहण पे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। मान लीजिए फिर से सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, पृथ्वी, और मान लीजिए चांद यहाँ पे आ गया, चंद्रमा है, ये क्या है, चंद्रमा है, ये चंद्रमा है मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, सूर्य यहाँ हो गया, पृथ्वी यहाँ हो गया, चंद्रमा यहाँ हो गया, तो यहाँ पे जो सूर्य का किरण है तो पृथ्वी पर पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ जो लाइट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ढक जा रहा है ना इसके पीछे, इसके पीछे क्या हो जाता है, ढक जा रहा है, ढक जा रहा है, तो इससे क्या स्थिति बनती है, तो इससे होती है चंद चांद दिखाई नहीं देगा, चांद पे क्या दिखेगा, धब्बा दिखेगा, हाँ चांद पे क्या दिखेगा, धब्बा। लेकिन इसका जो हल्का सा साइड में रोशनी जा रहा है इस वजह से हल्का सा चमकेगा, ये हल्का सा चांद जो है वो चमकेगा, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं दिखेगा, चांद हल्का सा चमकेगा पूरी तरह से नहीं दिखेगा, चांद को ढक लेता है पृथ्वी, तो उसमें हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण हो गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, मान लीजिए चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्या हो जाता है, जब पृथ्वी, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है, तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी को होता है, मतलब पूर्णिमा को, पूर्णमासी को होता है, क्या होता है, पूर्णमासी को होता है चंद्र ग्रहण, और अमावस्या को क्या होता है, सूर्य ग्रहण, अमावस्या को होता है सूर्य ग्रहण। तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, अब हम लोग लिखेंगे प्रकाश। अब इस प्रकाश में क्या होगा, हम लोग जो सूर्य का प्रकाश देते हैं, सूर्य का प्रकाश, मान लीजिए ये किसका है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को क्या क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश। अरे श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो श्वेत प्रकाश में सात रंग होते हैं, कितने रंग होते हैं, सात रंग। सूर्य का जो प्रकाश है श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, श्वेत प्रकाश में सात रंग होते हैं, वो सात रंग क्या क्या है, तो लिखते हैं, देखिए, वेजानी हा पी नाला, ठीक है, तो वे से हो जाएगा बैंगनी, बैंगनी, ठीक है, बैंगनी, जौ से जामुनी, नौ से नीला, ह से हरा, प से पीला, ना से नारंगी, और ल से लाल। ठीक है, तो बैंगनी रंग क्या है, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, बैंगनी, ये जो बैंगनी है, तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम होता है, सॉरी सबसे कम होता है, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है, लाल रंग का सबसे ज्यादा होता है, और लाल रंग का, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, लाल रंग का तरंग सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है,
और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो ये हमारा सातों रंग हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। तो जब इंद्रधनुष बनता है, इंद्र क्या बनता है, इंद्रधनुष देखे हैं ना आप लोग, आसमान में इंद्रधनुष बनता है, उसमें क्या रहता है, ये सातों रंग रहता है। इसमें क्या रहता है, ये सातों रंग रहता है, ये सातों रंग रहता है इंद्रधनुष में। और इंद्रधनुष बनता कैसे है, तो इंद्रधनुष बनता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसका, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण इंद्रधनुष बनता है। तो आप लोग सातों रंग को देख लिए, बेजानी हो बिना ला करके, बैंगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी और लाल। उसी प्रकार आपका जो इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष में सातों रंग होते हैं। इंद्रधनुष में क्या होता है, सातों रंग होता है। और वो सातों रंग किस वजह से इंद्रधनुष बनता है, तो प्रकाश जब आपके पानी के बूंदों, पानी का जो छोटा छोटा बूंद होता है वायुमंडल में, उसमें पड़ता है, उसके अंदर क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। और ये हमेशा लाइट का जो सोर्स है, सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा, सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। आए वस्तु आप समझ गए होंगे। और अगर आप इसी को प्रिज में, अगर आप किसी प्रिज में श्वेत प्रकाश डालेंगे ना, क्या डालेंगे, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश किसमें, प्रिज्म में, किसमें, प्रिज्म में, तो सात रंगों में यही जो सात रंग है इसी में विभाजित होगा, ये सात रंग निकलेगा यहां से, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, सात रंग क्या क्या होगा, बैंगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी और लाल, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, चलिए इसको अब मिटा देते हैं हम लोग। अब हो गया हम लोग का अगला प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग क्या है, तो प्राथमिक रंग जो है तीन रंग होता है। प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है, आरजीबी, ठीक है, आरजीबी होता है। प्राथमिक रंग क्या होता है, आरजीबी, आर से हो गया रेड, आर से रेड, जी से ग्रीन, आर बी से ब्लू। मतलब प्राथमिक रंग कौन कौन सा हो जाएगा, लाल हरा और नीला, ठीक है, लाल हरा और नीला। तो इसी तीन रंग से मिलकर, प्राथमिक तीन रंग जो है लाल हरा और नीला, इसी से आपका सातों रंग बनता है। तो जनरली हम कुछ चीजों के इस पर डिस्कशन करेंगे इस तरह से, ठीक है। यहां हो जाएगा आपका लाल, ठीक है, यहां हो जाएगा हरा, यहां हो जाएगा नीला, ठीक है ना। अब लाल हरा नीला जब मेरा हो गया, यहां पे हो जाएगा श्वेत प्रकाश, यहां पे क्या हो जाएगा, सारा चीज मिलेगा, तो कौन सा रंग बनेगा, श्वेत, मतलब सफेद रंग बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये क्या रंग बन जाएगा, ये श्वेत बनेगा। और यहां जो रंग बनेगा, यहां और यहां, तो यहां जो रंग बनेगा, ये रंग कौन सा बनेगा, तो यहां जो रंग बनेगा वो बनेगा पीला। यहां कौन सा रंग बनेगा, यहां पीला रंग बनेगा, ठीक है। यहां क्या बनेगा, तो ये जो पॉइंट है इधर का रंग बनेगा पीकॉक, पीकॉक, पीकॉक नीला। और यहां जो रंग बनेगा ये क्या बनेगा, मैजेंडा, मैजेंडा। तो इस रंग के टेबल को आप लोग जल्दी से बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक रंग तीन होता है ना। और जो बर्नांड होता है, जिनको बर्नांड होता है, जिसको आंख, जिसका लाइट समझ में, कलर नहीं समझ में, कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, तो वो लाल में, लाल रंग में और हरा रंग में विभेद नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता है, किसमें, वर्णांध जो होता है, वर्णांध, वर्णांधता, वर्णांधता से ग्रसित लोग
लाल और हरा रंग में विभेद नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है, मतलब लाल और हरा रंग उसको समझ में नहीं आता, किसको, जो वर्णांध होगा, कलर ब्लाइंडनेस जो होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने प्रकाश चैप्टर को पढ़ लिया, प्रकाश के बारे में जान लिया, कल हम लोग दर्पण, मानव नेत्र और लेंस के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण, मानव नेत्र और लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट एवं शेयर जरूर करें। साथ ही वैसे मित्र जो नए हैं हमारे देख रहे हैं, नए मित्र हैं हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आप ही के लिए एक मजेदार टॉपिक लेके आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।